गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर गुड। आई एम वसीम, योर असिस्टेंट टीचर फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। क्लास, एज यू नो, आई हैव स्टार्टेड चैप्टर 3 इन हिस्ट्री, द दिल्ली सुल्तान। आई टोल्ड यू मैनी पैराग्राफ अबाउट दिस चैप्टर, सो यू कैन सी इन द बुक द दिल्ली सुल्तान। ओके, so this is your book of history, so you can see. Okay, I told you yesterday about Razia Sultan. She was the daughter of Iltutmish, and about the nobles who were not satisfied with the rule of Razia Sultan, so that's why they removed from the throne in 1240. Okay, we are on page number 34. From garrison town to empire, the expansion of the Delhi Sultanate. Okay, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि from garrison town to empire, ये garrison क्या है, एक जगह का नाम है और काफ़ी दूरी पर, और इस empire तक देखेंगे कहाँ से किस तरीके से आया, और जो Delhi Sultanate थी वो किस तरीके से इसका expansion, कितने फैलने को, बढ़ने को बड़ी। okay, सो यू कैन सी द मैप, ये दिल्ली है और दिल्ली के आसपास हम देखेंगे कौन कौन से मुल्तान आ गया, ठीक है। इसके बारे में जो मेन है, अजमेर है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन द अर्ली 13th century, द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान रेयरली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाई गैरिसंस। सो एक तरीके से गैरिसन ये कह सकते हैं कि ये 13th century का टाइम था, तो दिल्ली के जितने भी सुल्तान से उन्होंने पूरी तरीके से फोर्टिफाइड, मतलब चारों तरफ से एरिया को कवर कर रखा था, इट मीन्स ढक रखा था गैरिसन से। ओके, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे यू कैन सी गैरिसन टाउन अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, जैसे सोल्जर्स से फाइंड घेर के रखना, सब कुछ करना। सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़, वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लायर्स। सो इसको हिंटरलैंड का मीन्स क्या होता है कि इनसाइड का एरिया जो होता है, जैसे हम कह सकते हैं सुल्तान ने क्या करा था, ज़्यादातर कंट्रोल जो थे वो भीतरी जो प्रदेश होते थे, देश होते, उनके ऊपर, सिटीज़ के ऊपर कंट्रोल करते थे। क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस करना होता था, ट्रिब्यूट देना होता था, प्लंडर के लूटने को, सप्लाई उसको लूटना होता था, तो इस तरीके से वो एरियाज़ ढूंढते थे, एरियाज़ को वो करते जिसके अकॉर्डिंग वो इजीली सारे काम कर सके, राइट। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। अब गैरिसन टाउन दूर था, काफ़ी दूरी से लेकर, और बंगाल की बात करें हम तो सिंध और दिल्ली से, सिंध भी काफ़ी दूरी पर है, तो बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि कंट्रोल करना। सो रिबेल वॉर, इवन बेड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। या तो विद्रोह होता था, फाइटें होती थी, युद्ध होते थे, और इसके बाद मौसम ख़राब होने के कारण जो कम्युनिकेशन सिस्टम था बहुत ज़्यादा, बस पलक झपकते ही जैसे कहते हैं ख़राब हो जाता था, बहुत नाजुक सा था, ख़राब हो जाता था। दिल्ली अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज बाई मंगोल इन्वेजन फ्राम अफगानिस्तान एंड बाई गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस। तो दिल्ली की अथॉरिटी, उसको चैलेंज किया गया, मंगोल ने चैलेंज कर दिया, जो उस टाइम पे हुकूमत कर रहे थे सुल्तान, तो मंगोलों ने चैलेंज कर दिया, अटैक किया अफगानिस्तान की साइड से, और जो गवर्नर से उन्होंने सुल्तान वीकनेस होते गए सुल्तान की, और उसके बाद लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। इन्वेंशन का मतलब होता है अटैक करना, आक्रमण करना। द सल्तनत बेरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस, क्योंकि जो सल्तनत थी वो सही से सर्वाइव नहीं कर सकी, नहीं चैलेंज को एक्सेप्ट, इट मीन्स कि उसको फेस नहीं कर सकी। इट्स कंसोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गयासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक।
जिस तरीके से वहाँ पे जब एरिया होता चला गया, फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक आ गए, टाइम एक ऐसा आया कि गयासुद्दीन आ गए बलबन, फिर वो बढ़ता चला गया अलाउद्दीन खिलजी, बाद में मोहम्मद तुगलक, अब ये लोग आ गए, राइट। सो यहाँ तक तो सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। सो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स। बस यही था कि पहला उनका जो मुहिम था, एक कैंपेन्स का मतलब होता है रैली निकालना, मुहिम निकालना, इंटरनल फ्रंटियर जो अंदर की सीमाएं थी सल्तनत की, उसको अपने अंदर जोड़ना चाहा, पहले गैरिसन टाउन था, यह सबको जोड़ना चाहा, जितने भी ये लोग थे, कौन गयासुद्दीन, ये सब लोग। ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब एंड हंटर गैदर्स एंड पैट्रोलिस्ट एक्सपेल फ्रॉम देयर हैबिटेट। फिर अब अपने एरिया को बढ़ाना था, तो सबसे पहले जब कैंपेन चलाया गया, जो जितने जंगल थे उनको काटा गया, गंगा यमुना को दोआब जो थी रिवर थे उनके आसपास की सारी चीज़ों को क्लियर किया गया, जो हंटर्स थे इकट्ठे थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया, हटा दिया गया, निकाल दिया गया, और पैट्रोलिस्ट जो थे चरवाहे उन सबको निकाल कर फेंक दिया गया, हैबिटेट जो वहाँ पर रहते थे उन सबको, सब गंगा की नदी के पास, यमुना की नदी के पास, इन सब के पास जो रहते थे उन सबको लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इनको अपना एरिया को बढ़ाना था, कवर करना था, जितने भी ये लोग थे, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि जितने भी सुल्तान थे उन सबको, उनकी पावर कमज़ोर होते गए, ये अफ़गानिस्तान की साइड से ये लोग आ गए, इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते रहते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ओके। और जो इसमें हम होमवर्क देंगे वो आप लोग कंप्लीट करते चले आइएगा अभी से। तो नेक्स्ट पैराग्राफ की हम बात करते हैं, तो यू कैन सी दीज लैंड्स वर गिवन टू पीसेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज, न्यू फोर्ट्रेसेस गैरिसन टाउन एंड टाउन्स वर इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। फिर क्या करा, जो ज़मीन थी वो किसानों को और एग्रीकल्चर, मतलब वहाँ पर किया गया कि एग्रीकल्चर करो, और जो कितने भी किले थे सारे टाउन दोबारा से ट्रेड को हिफाजत की गई इनकी, जहाँ से बिजनेस हो सके, और प्रमोट रीजनल ट्रेड, और जितने भी रीजनल कहते हैं स्टेट को, जितने भी स्टेट के कारोबार हैं उनमें तरक्की हो सके, राइट। तो ये था, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा किया था, जितने भी एग्रीकल्चर पीसेंट्स थे उन लोगों को सारी फैसिलिटीज़ दी गई कि एग्रीकल्चर करो, उस पर और ज़्यादा फोकस किया गया, और जितने भी प्रोटेक्ट किया उन एरियाज़ को जहाँ से बिज़नेस हुआ करता था, राइट, और उसको ज़्यादा प्रमोट किया, ऐसा नहीं है कि उसको कारोबार को मना किया, उसको प्रमोट भी किया। सो इट्स एनफ फॉर माई सेल्फ, थैंक यू वेरी मच, ओके। रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली, एज आई टोल्ड यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So now, when I will take the class on Zoom app, so I will explain from here, okay? So, okay, goodbye students.